Hey guys, good morning. I'm Indian YouTuber Josna Jaiswal और आज है second day of Navratri. तो आज देवी का कलर है येल्लो और मैंने ड्रेस पहनी है येल्लो कलर की. देखिए तो मैं ड्रेसअप हो गई हूँ पार्लर पे जाने के लिए और गर्मी इतनी है कि एसी भी काम नहीं कर रहा है गाइस. बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है. और अभी मैंने फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ा कि चारों ओर छाई है धूम, जय माता दी जय माता दी. और ये किसकी माँ आई है वृद्धाश्रम में, बहुत अच्छे से वो लाइन था इस तरह से. तो गाइस इतना देख के भी बुरा लगता है कि कोई इंसान कैसे अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते होंगे, कैसे. और ये वृद्धाश्रम बने ही क्यों हैं, अगर नहीं बनते तो कोई इतनी हिम्मत ही नहीं करता है कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते. अरे एक माँ बाप इतने सारे बच्चों को पाल लेते हैं, अब बच्चे माँ बाप को कैसे नहीं पाल सकते. मुझे सुबह सुबह मैं शावर लेके आई और फिर मुझे मैंने वो थोड़ा सा फेसबुक ऑन किया और देखा तो वही मैसेज था कि चारों ओर है जय माता जी की धूम छाई है और ये किसकी माँ वृद्धाश्रम में आई है. इस तरह से वो लाइन भी इतना ऐसा लिखा था ना, हार्ट टचिंग, कि बहुत खराब लगा. सच में सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग. और गाइस मैं तो चाहती हूँ कि आप वेस्ट ऑफ मनी ना करो और बस ज़्यादा टेंशन का काम मत क्रिएट करो कि इस तरह के काम करने पड़े फिर बाद में. अच्छे से रहो, खुशी खुशी रहो, हर दिन को एंजॉय करो. मैं चाहती हूँ मेरे जो भी हर कोई है जो मुझे देख रहा है वो लाइफ को एंजॉय करे, लाइफ को अच्छे से जिए और कोई टेंशन ना रखे लाइफ में. और बस अभी मचा है गरबा और आप सब गरबा खेलने जाते हो कि नहीं मेरे साथ शेयर करना. कल मैं गई थी गरबा देखने और मुझे बहुत दिल कर रहा था गरबा खेलने को, पर नहीं जा पाई. शायद सैटरडे को खेलूंगी. तो स्कूटी भी रहता है, इतना रश रहता है ना, तो स्कूटी कहाँ पार्क, ऐसे तो मैंने पार्क कर दिया था पर थोड़ा टेंशन रहता है, मोबाइल वगैरह भी रहते हैं, पर्स रहता है डिक्की में, तो वो छोड़ के तो मैं देखूंगी सैटरडे को घर पे बाइक पार्क करके सब घर पे रख के जाऊंगी और सिर्फ गरबा खेलने जाऊंगी. तो गाइस आप लोग सब जाते हो कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके. और आपके कमेंट्स नहीं आ रहे फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करोगे मुझे तो मैं जान पाऊंगी कि आपके यहाँ क्या चल रहा है. और मैं तो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे यहाँ क्या क्या चल रहा है. और चलिए अभी चलते हैं, आज लेट हो गया है तो, नहीं तो मंदिर से मैं लाइव जाती थी पर आज लेट हो गया है तो मैं लाइव तो नहीं जाऊंगी, पर हाँ देवी को ज़रूर से शूट करूंगी येल्लो कपड़े में. तो चलिए गाइस अब निकलते हैं पार्लर के लिए और फिर मिलते हैं आगे. क्या कर रही हूँ मैं, कब से 9:40 हो गए और मैं अब तक निकली नहीं हूँ घर से और मम्मी वहाँ पे वेट कर रही होगी. तो चलिए चलते हैं, जल्दी से भागते हैं पार्लर के लिए. यह है कुदरत का करिश्मा, देखिए कुदरत हमें कितना अच्छा अच्छा चीज देती है. देखिए फूल लगे हैं तो ऐसे लगे हैं कि पूछो मत, धूम मची है पूरी और इतना सुंदर लग रहा है, हर पूरा फैला हुआ है फ्लावर से. ये देखिए पूरा, मैं आपको जूम करके बताती हूँ. गाइस ऐसे देखने से इतना अच्छा लग रहा है ना, ये पूरे फूल ही फूल खिले हैं. बस ये कुदरत का करिश्मा है और कुछ नहीं है.
बस सुबह सुबह बस आंगन में आके इतने सुंदर फूल देख के मन इतना खुश हो जाता है ना। पूरा कंपाउंड वॉल में पूरे फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हुए हैं। गाइस आज येलो डे है और देवी ने येलो कलर के कपड़े पहने हैं। आज है येलो डे और हम सब येलो येलो हुए हैं। हाय हाय एवरीवन, आप लोग ने येलो कलर के ड्रेस पहने हैं कि नहीं मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। गाइस ये जो फ्रेम है ना वो मैंने लकड़े को जो छीलते रंदा मारते हैं ना उसमें से बनाई हुई है। उसको पेपर पे चिपका के फिर उसको कटिंग करके इस तरह से इसको फ्रेमिंग किया हुआ है। ये फ्रेम को बहुत साल हो गए हैं पर अभी भी इतनी सुंदर दिख रही है। और ये जो बीज लगाए हैं इसके ऊपर वो खरबूजा, मम्मी खरबूजा बोले ना, खरबूजे जो शक्कर टीटी रहती है ना उसके अंदर के बीज है वो लगाए हुए हैं। ये सली है, ये गोल्डन ग्रास की सली है लेकिन आप इसको झाड़ू की सली से भी ऐसी बास्केट बना सकते हैं। और ये लगाई ये झाड़ू, इसको ग्रीन कलर किया था, अब थोड़ा सा कलर उड़ गया है। तो गाइस ये फ्रेम ऐसे देखने से बहुत सुंदर दिखती है। अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आप लोग घर पे कर सकते हो। जो फर्नीचर बनता है और उसको रंदा मारते हैं ना तो वो जो रंदा में ऐसा राउंड राउंड निकलता है लकड़ा, उसको एक पेपर पे चिपका देने का, उसकी शीट बना देने की, उस पर वजन रख देने का। और उसके बाद वो जब सूख जाता है रात भर में फेविकोल से लगा के उसको पेपर पे चिपकाएंगे वो रात भर में सूख जाएगा। फिर इस तरह से कटिंग करने का उसको और उसको फोल्ड करने का पीछे की साइड थोड़ा गीला करके, तो ऑटोमेटिक ऐसे फोल्ड आ जाता है। तो गाइस इस तरह से आप फ्रेम बना के मुझे बताना कमेंट्स करके। देवी की बहनी मिली है गाइस मुझे। नवरात्रि में इन सब चीज़ों का कितना महत्व हो जाता है और मुझे ऐसी बहनी ना बालों में लगाने को बहुत पसंद है। फ्रेंड्स मुझे इतना अच्छा लगता है ना गजरा वेनी बालों में लगाने को। मैं एक बार आपको गजरा कैसे बनाते हैं ना वो भी सिखाऊंगी। ओके एक वीडियो में मैं बताऊंगी कि गजरा घर पे कैसे बनाया जाता है। और वेनी को देख के मेरा दिल खुश हो गया है। पतला सीज है ना।
त्या साइडने जास्त गेला, या साइडने कमी आला, थोडंसंच होतं गं बाई. सिंपल यू होता, आता डीप यू कर थोडस, बस फक्त तिकडून टीप करायचं आहे दोन्ही बाजूने. गाइस ये प्रैक्टिस कर रहे डीप यू का. करू ना, वी करू टाक, वी कर. हे बघ पहिलं आपलं स्ट्रेट कट झालं, मग यू कट झालं सिंपल, त्यानंतर आपण केलं डीप यू, आणि त्यानंतर आता आपण वी कट करणार आहे. स्प्रे मार म्हणजे बरोबर होणार ना. म्हणजे तुला परफेक्ट दिसेल. तैसे की एक साइड से उसने परफेक्ट वी कट मारा है, उसी तरह से दूसरी साइड से भी वी कट मार सकते हैं. तो आप इसी तरह से घर पे भी प्रैक्टिस करके हेयर कटिंग सीख सकते हैं. ये मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लड़ते जास्त कापते हैं. यहाँ आपको कोई डांटने वाला नहीं होगा, बाल ज़्यादा भी कट गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा. या साइड नहीं बोलो करना है है? यस, नहीं है, कॉर्नर कॉर्नर. तो ये कटिंग की प्रैक्टिस चल रही है मेरे पार्लर में. तू इकडे बघ बेटा, तुला क्लिअर दिसेल मोबाईल मध्ये. ते कशाला उडत आहे, डायरेक्ट वी कर ना, मध्ये पार्टिशन कर आणि डायरेक्ट असंच वी करून बिंदास घाबरू नको. एक खराब झाली तर दुसरी आणू शकतो आपण, काय हरकत नाही.
लेयर नहीं लगता, ये यू नहीं लगता है। नहीं हो जाएगा ना, वो साइड का कट होगा तो साइड का कट होगा तो हो जाएगा। थोड़ा ये साइड घुमाओ, या साइड से किती छान करते आणि त्या साइड से का बिघडते तुझं बघ, बरोबर नाही वाटत मला कॅमेरा मध्ये, बरोबर वाटत नाही वाटत। हां तिकडे बरोबर नाही, या साइड से खूप छान झालंय। फेदर कट साठी आपल्याला बरोबर यू कट झाला, अरे वी कट झाला पाहिजे। प्रॉपर कर, नाही आलं तर बोटात धरून कर। कैची डायरेक्ट वरती कर अशी। मध्ये कट के दिखाते ना, प्रॉपर वी कट मार दो, फिर वो फेदर करेगी बराबर से। इधर ना, नहीं उधर उधर नहीं, ये साइड, ये साइड। हाँ ये वाला क्या, ये साइड में ऐसे जाना चाहिए, ये वाला ऐसे जाना चाहिए? नहीं वो बराबर है, वो ठीक है तो? ये साइड वाला ही बराबर, ये वाला ना। हाँ इसको थोड़ा सा लाइन में लेना पड़ेगा बस, ये पकड़ो ऊपर से पीछे से, हाथ से देखो, मिक्स मत करो, बस जरा सा ही। हाँ बस वो हाथ के पास, फेदर कट कर। गाइस ये पहले वी कट किया है अभी हमने, और उसके बाद अब इसको फेदर कट मारेंगे।
इसमें प्रॉपर से दिखेगा नहीं, लेकिन स्टाइल कैसे करना है वो देख लीजिए आप थोड़ा। फक्त असा हात घेऊन असं त्याला ट्विस्ट करायचं आहे, बस दुसरं काय करायचं आहे। एक बार आप पूरा बता दो अच्छे से, फिर वो दूसरी बार करेगी। एक मिनट परत बघ त्या करतात तसं। फेदर कट है, छोड़ छोड़ के काटना है, समझा ना। एक स्टेप निकाल दिया, फिर से सेकंड स्टेप के लिए कट करेंगे। खालसा पोर्शन थोड़ा सोडून द्यायचा आहे, हाँ नीचे का पोर्शन थोड़ा छोड़ देने का और फिर क्रॉस में कट मारने का और फिर वापस से एक पोर्शन निकाल देने का। इस तरह से हम तीन या चार पोर्शन ऊपर जाएंगे तो लाइन से अपने फेदर्स उस तरह से आ जाएंगे। गाइस इस तरह से फेदर्स लाइन से आएंगे, इसमें ज्यादा बराबर दिखेंगे नहीं पर इस तरह से आपके साइड से फेदर्स ऊपर तक आ जाएंगे। तीन या चार कट आपने मारने हैं। नीचे का एक पोर्शन ऐसे ही छोड़ देना है, फर्स्ट लेयर ऐसे छोड़ देनी है और सेकंड लेयर से अपन फैदर मारना स्टार्ट करेंगे। हाथों को ट्विस्ट करके क्रॉस कर लेना है। इस तरह से बाल छोड़ देंगे, ये हो एक स्टेप अपना, उसके बाद फिर से ट्विस्ट करके कट करेंगे। गाइस जब हम कट करते हैं ना तभी ये वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, जो लास्ट वाला पोर्शन है ना ये वाला, उसे कट नहीं करना है, ऊपर का पोर्शन क्रॉस में कट करना है। और अभी नीचे वाला पोर्शन और थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन मिक्स करके हम उसको नीचे छोड़ देंगे। फिर से कॉम करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और कट लेंगे। अगर बालों में ज़्यादा ग्रोथ है तो हम इस तरह से 5 times करेंगे, कम ग्रोथ है तो 4 times, 3 times में बस हो जाएगा। तो पूरे हमारे 3-4 steps अच्छे से आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा नीचे से ऊपर तक फेदर एक के बाद एक आ जाएगा। ये साइड किया, उसी तरह से ये साइड भी हमें कट मारना है।
अच्छा था वो नहीं, ये यू जो उसने डीप किया था ना बीच में आ गया। इस तरह से सिंपल मेथड से भी आप कटिंग घर पे सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फेदर कट काट के हो जाएंगे। फिर आगे के बालों को हमने लेयर्स मारना है, लेयर कट मेरे आगे की वीडियो में है गाइस, तो उसमें से आप देख लीजिएगा लेयर कट कैसे मारते हैं। और होने के बाद हमें नीचे का वी कट हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वापस से उसे वी कट थोड़ा सा ले लेना है प्रॉपरली। गाइज इस तरह से आप घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना आया। हे गाइज गुड मॉर्निंग। तो आज ये वाला व्लॉग मैं कल से स्टार्ट करी हूँ और आज कल रात को मैं एंड करना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया, तो इसको मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज है ग्रीन डे और मैंने इस तरह से ये ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन वाला टॉप पहना है और नीचे इस तरह की येलो कलर की सलवार पहनी है। और गाइस कल था येलो डे, तो कल का व्लॉग मुझे कल रात को ही फिनिश करना था पर मैं नहीं कर पाई, तो उसे मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और तो फ्रेंड्स आज है थर्ड डे ऑफ नवरात्रि और नवरात्रि की धूम मची हुई है सब जगह पे। शाम को ना गाइस इतना अच्छा स्मेल आता है बाहर, अगर निकलो ना पार्लर पूरा पैक रहता है, एसी चालू रहता है ना अंदर तो पैक रहता है, तो जब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो बाहर स्मेल मतलब धूप की और घी की दिए जलते हैं ना शाम को, तो उसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है ना गाइस, ऐसा लगता है माय गॉड मतलब सब दूर ना वातावरण इतना मस्त हो गया रहता है। तो गाइस अभी तो त्योहार की धूम चल रही है और सब दूर जय माता दी छाया हुआ है, और आप भी मेरे साथ बोल लीजिए जय माता दी। तो बस देखती हूँ हर कोई जा रहा है, कोई हमारे यहाँ देवी के मंदिर जा रहे हैं जो पहाड़ों पे है ऊंचाई पे है, और वहाँ पे ऐसी ट्रॉली भी चलती है, तो गाइस ट्रॉली में तो दो दो घंटा लाइन लगाना ही पड़ती है, अभी सीजन है लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर है, मेरे इसमें वीडियो में है, मैंने पहले किया रोप वे से जाना पड़ता है वहाँ पे, पहले मैंने शूट किया था जब मैं गई थी तभी, तो वो बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, मुझे भी बहुत दिल कर रहा है जाने को पर हर बार मैं सोचती ही रहती हूँ। और गाइस यहाँ से ना सब लोग नवदेवी भी बहुत जाते हैं, तो मुझे वहाँ भी जाने को कितने साल से दिल है पर मैं जा नहीं पाती हूँ, और वो एक ही दिन में नवदेवी करते हैं ना तो पूरा
बस बस में बैठो उतरो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो मुझे उस तरह का पसंद नहीं, मुझे शांति से जाना पसंद है, ज्यादा गड़बड़ घोटाला नहीं पसंद आता है। और गाइस सारी ना मेरी नीचे की वॉच और ऊपर की वॉच में बहुत डिस्टेंस हो गया, फर्क पड़ गया है, तो इन वॉच को ना मैं थोड़ा आगे कर दूंगी, क्योंकि मुझे ना रोज लेट हो जाता है। नीचे के घड़ी के टाइम के हिसाब से मैं नीचे काम करती रहती हूँ और फिर ऊपर आके देखती हूँ तो कितना लेट हो गया है, माय गॉड। और आज मैंने हेयर वॉश कर दिया, इतनी गर्मी है ना गाइस, जैसा लगता है डेली हेयर वॉश करो, तो पर डेली हेयर वॉश करना तो लेट हो जाता है। हेयर वॉश करो उस दिन तो बहुत थकने को भी हो जाता है और फिर भागना रहता है गीले गीले बाल बांध के। उसके बाद जब पार्लर पे टाइम मिलता है तब बालों को ओपन किया जाता है। तो गाइस चलिए अब चलते हैं मंदिर में और देखते हैं देवी ने किस तरह से ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, तो मैं आपको भी मिलाती हूँ देवी से, ओके, दर्शन करवाती हूँ। तो चलिए निकलते हैं। और मम्मी ने भी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होगी, वहाँ पे सब ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होंगे, तो मैं हो सका तो वो भी शूट करूँगी। और फ्रेंड्स बस रात को तो मैं आते वक्त, जब मैं आ रही थी ना रात को, तो मैंने सोचा मैं खाने के लिए भेल ले लेती हूँ, मुझे भेल बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं भेल ले लेती हूँ। तो गई तो भेल वाले के पास, तो ऑनियन वगैरह सब खत्म हो गया था, तो मैंने फिर भेल नहीं ली। फिर मैंने सोचा चलो आगे चलते हैं और घर जाके कुछ बनाते हैं। घर पे आई तो फिर उतने में अतिथि का कॉल आ गया, उससे वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी, तो बात करते करते टाइम हो गया, फिर एक बार मूड चला गया तो चला गया। फिर मैंने रात को ना बेसन का पोला बनाया, बेसन को मतलब ये करके और पतले पतले डोसे टाइप उसका पूड़ा टाइप बना लिया और वही खा लिया और सो गई। तो इसीलिए मैंने रात को फिर वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और कल वाला व्लॉग मैं अभी ये इसके आगे बढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ी देर में ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगी पार्लर पे जाते ही, टाइम मिलते ही, ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट व्लॉग मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगी। और गाइस मैं इसके साथ ना क्लिपिंग ऐड कर रही हूँ, इसके पहले ही मैं क्लिपिंग ऐड कर देती हूँ आपको। हेयर कटिंग की जो मेरे क्लास में प्रैक्टिस की थी ना, वो सारी क्लिपिंग्स आपने इसके ये जो मैं बोल रही हूँ ना, उससे पहले मेरी क्लिपिंग्स आ जाएगी, तो मुझे बताइए आपको ये हेयर कटिंग समझ में आया कि नहीं, वो भी बताना मुझे। और गाइस आप लोग नवरात्रि में क्या क्या कर रहे हो, तो यार कोई तो कमेंट्स करके बताओ कि क्या कर रहे हो और कैसे हो आप सब। मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, अगर ये यूट्यूब नहीं होता ना तो मैं तो खुद अकेली लोनली फील कर करके मर ही जाती थी, सच्ची बोलूँ तो। पर ये यूट्यूब का मुझे बहुत सपोर्ट है, मुझे कुछ भी दिल की बात हो तो मैं बोल देती हूँ, भले सामने से कोई रिप्लाई आए या ना आए, पर मैं सब कुछ बता देती हूँ। मुझे जो जो आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश भी करती हूँ। तो गाइस चलिए, अगर मैं जो करती हूँ अगर आपको ना भी पसंद आए तो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी कोशिश थोड़ी बहुत तो आपको थोड़ा बहुत पसंद करने लगे हैं लोग। तो गाइस चलिए मैं निकलती हूँ, मिलती हूँ मंदिर में। गाइस एक जोक क्या हो गया पता है मेरे साथ, मैंने ना प्रॉपर मेरा ग्रीन कलर का ड्रेस ना मैंने रखा था, तो वो प्रेस करने को देना ही मैं भूल गई, और फिर मुझे कल याद आया गॉड कि ये तो मुझे कल पहनना है, तो फिर मैंने प्रेस वालों को, उसने ले भी लिया था प्रेस के लिए वो कपड़ा, पर मैंने ले लिया उससे वापस कि मुझे वो पहनना है। पर फिर मैंने देखा ये वाला भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन के साथ मैच हो रहा है, मतलब ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी चल जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया आज।
तीन